इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इस वीडियो सीरीज में यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि विद्युत कार क्या होता है, किस कारीगर को विद्युत कार कहा जाता है और विद्युत कार कारीगर क्या क्या कार्य करता है, किन किन मशीनों पर कार्य करता है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आखिर विद्युत कार व्यवसाय में, जैसे तो कोई भी व्यवसाय हो दोस्तों, तो यदि मान लीजिए उसमें लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, है ना, उसमें कार्य करना वो सुरक्षित नहीं है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ऐसे कारीगर का व्यवसाय जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि दुर्घटनाओं के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, दुर्घटनाओं के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम दुर्घटना के कारणों को ना जान लें हम दुर्घटना को रोकने में असमर्थ रहेंगे। तो इसीलिए ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हों या दुर्घटनाएं बिल्कुल भी ना हों, इसके लिए आवश्यक है कि आप दुर्घटनाओं के बारे में जानें कि आखिर दुर्घटना किन कारणों से हो सकती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि दुर्घटना किन कारणों से हो सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि मुख्य तौर पर जो दुर्घटनाएँ होती हैं, दुर्घटनाएँ मुख्य तौर पर 6 कारणों से हो सकती हैं। ठीक है, मोटे तौर पर आप दुर्घटनाओं के कारणों को 6 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जो 6 रूप हैं, मतलब जो 6 मुख्य रूप से दुर्घटनाएं 6 कारणों से हो सकती है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो दुर्घटना होती है उसका कारण है दोस्तों, सबसे पहला दुर्घटना का कारण होता है कि खतरे के प्रति सजग ना होना। ठीक है, यदि आप लोग खतरे को जानते ही नहीं है कि खतरा क्या हो सकता है, आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते समय करंट भी लगता है, यदि आपको ये नहीं पता कि अगर आप औजार का सही प्रयोग ना करें तो हो सकता है कि आपका जो है वह हाथ कट सकता है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ किस तरह से यूज़ करना है, उसकी एज से सही तरह से यूज़ ना करने पर हाथ कट सकता है, यदि इस तरह दुर्घटना के प्रति या खतरे के प्रति आप यदि सजग ना हों तो जाहिर सी बात है कि हम दुर्घटना से नहीं बच सकते। तो यह हो गया नंबर 1 कारण, खतरे के प्रति सजग ना होना। यहाँ पर मैं काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, खतरे के प्रति सजग ना होना। ठीक है, यह आप लोगों को समझ में आ गया हो, है ना, कि खतरा यदि हमें पता ही ना हो खतरा क्या है तो हम आसानी से दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में दुर्घटना को रोकना नामुमकिन होता है। ठीक है, आइए अब लोग हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं। तो दुर्घटना का जो दूसरा कारण होता है वह हो सकता है सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, है ना। जैसे आप लोग समझते हो कि ठीक है हो जाए दुर्घटना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो लगता रहता है भाई, वर्कशॉप में काम करते हैं तो थोड़ी बहुत लगती है, यदि इस तरह की आपकी विचारधारा है या आप सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, मुझे तो अब करंट लग ही नहीं सकता, मेरे द्वारा तो किसी प्रकार की गलती हो ही नहीं सकती, है ना, अगर ऐसी भावनाएं आपके पर दिमाग में आ जाती हैं, यदि इनसे आपके विचार हो जाते हैं, यदि आप दुर्घटना के प्रति या सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तब भी दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा बनता है सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 होता है कि कार्य के प्रति गंभीर ना होना। कहने का मतलब यह है कि ठीक है आप लोगों को पता है दुर्घटना किन कारणों से हो सकती है, आप खतरे के प्रति सजग भी हैं, आपको मालूम भी है कि ये खतरा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, यदि वो काम आप करना ही नहीं चाहते, जैसे यदि मान लीजिए आपको कहा गया है कि आप विद्युतिक वायरिंग करें, है ना, लेकिन आप विद्युत वायरिंग नहीं करना चाहते, आपका दिमाग लग रहा है कि आप जाकर के कहीं बाहर कोई फिल्म देखाएं, है ना, या आप कोई और कार्य करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यार मुझे तो कोई और अन्य काम करना चाहिए, कुल मिलाकर के यदि आप मन लगा करके काम ना करें, है ना, कार्य के प्रति आप गंभीरता ना दिखाएं, तब भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आपका काम करने में मन नहीं लगेगा तो दिमाग में बाहर के विचार चलते रहेंगे, वो जो काम आप कर रहे हैं उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, उस पर अपना ध्यान जो है वह केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी
दुर्घटना की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये मान लें कि दुर्घटनाएं लगभग होना तय हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी कार्य करें, तो जिस भी कार्य को करें, जरूरी नहीं आप विद्युत कार्य व्यवसाय का ही काम कर रहे हो तभी फोकस रहे, आप जो भी काम करते हैं वह काम करते समय आप फोकस रहें, आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करते समय भी आप फोकस रहें, यहाँ वहाँ की बाहर की बातें दिमाग में ना लाएं, आप एक समय जो काम करते हैं उस काम करते समय उस कार्य के प्रति गंभीर रहें, ठीक है। तो यह बात जो है विद्युत कार्य व्यवसाय में भी लागू होती है, यदि आप व्यवसाय का काम करते समय गंभीर नहीं हैं तब भी दुर्घटनाओं की संभावना जो है वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यह बातें दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा हो जाता है कार्य के प्रति गंभीर ना होना, यह भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। कार्य के प्रति गंभीर ना होना, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर फोर दोस्तों होता है औजारों का सही प्रयोग ना करना, है ना। यदि मान लीजिए आप औजारों को सही तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, या आपको औजारों का सही प्रयोग करना आता ही नहीं है, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी दुर्घटना की संभावना बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए आप स्क्रू ड्राइवर का उपयोग छेनी की तरह करेंगे, है ना, जैसे ज्यादातर ओकेशंस पे देखा गया है कि जब भी कार्य करते हैं, जैसे हमारे खुद के स्टूडेंट भी जब कार्य करते हैं तो वह जो हेमा जो स्क्रू ड्राइवर होता है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर काम करते समय आपके नज़र में होते हैं, तो स्टूडेंट्स स्क्रू ड्राइवर उठाते हैं और उसे चीजल की तरह यूज़ करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्क्रू ड्राइवर जो है वह या तो खराब हो जाएगा, या अगर वह थोड़ा सा भी मूव करता है, फिसलता है जगह से, तो आपके हाथ पर जो है हेमर लग सकता है और उस तरह से दुर्घटना हो सकती है ना। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया, कहने का तात्पर्य यह है कि आप सही औजार का उपयोग सही कार्य के लिए करें, जिस कार्य के लिए औजार बना है उस औजार का प्रयोग उसी कार्य के लिए करें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हमारा बनता है कि सही औजार का प्रयोग ना करना, यह भी दुर्घटनाओं के कारणों में से एक है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 जो है वह है सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान ना होना। यदि मान लीजिए आपको पता नहीं है कि किस तरह की सुरक्षा सावधानियां रखी जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनका पालन ही नहीं करेंगे, और जब हम सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना जो है वह हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए यदि आप फोर्ट लाइन पे काम कर रहे हैं तो आपको रबर के दस्ताने पहनना है, रबर के जूते पहनना है, यदि आप यह सुरक्षा सावधानियां नहीं फॉलो करते हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है ना। तो ऐसे कई प्रकार की सुरक्षा सावधानियां हैं जो मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह की सुरक्षा सावधानियां हैं हमको जो है बरतनी चाहिए। तो यदि इन सुरक्षा सावधानियों का हम लोग उपयोग ना करें, इन्हें ध्यान में ना रखें, सुरक्षा सावधानियों का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 आप लोग ध्यान रखें कि सुरक्षा सावधानियों का आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो सुरक्षा सावधानियों को आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो सुरक्षा सावधानियों का आप लोग हमेशा ध्यान रखें वरना दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो दुर्घटनाओं के कारणों में से एक हो जाएगा हमारा सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान ना होना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पॉइंट नंबर 5 सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान ना होना।
अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है, उसका लास्ट पॉइंट होता है कि यदि मान लीजिए आपकी वर्कशॉप या कार्यशाला, जिसे हिंदी में कहते हैं, यदि वह कार्य करने के लायक ही नहीं है, ठीक है, उसमें कार्य करना सुविधाजनक नहीं है, तब भी दुर्घटना हो सकती है ना। जैसे कार्य करने लायक नहीं है, क्या मतलब है हमारा कि पर्याप्त रोशनी ना हो, पर्याप्त वेंटिलेशन ना हो, रॉ मटेरियल कचरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ हो, ग्रीस तेल इत्यादि पड़ा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वर्कशॉप जो है वह कार्य करने के लायक नहीं रह जाती है, और इस प्रकार की वर्कशॉप में कार्य करना जो है वह जो है असुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों दुर्घटना के कारणों में से नंबर 6 है कार्यशाला कार्य करने के योग्य ना होना। ठीक है, तो दोस्तों दुर्घटना को यदि आप कम करना चाहते हैं या दुर्घटना से बचना चाहते हैं, तो इन 6 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 6 मैंने अभी लिखा नहीं, उसे लिख देता हूँ, कार्यशाला ठीक है, इन 6 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। वर्कशॉप में कार्य करते समय यदि इन 6 बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आप लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, ये दुर्घटना के कारणों से एक रहते हैं। ठीक है, मुख्य तौर पे जो दुर्घटनाएं होती है वह इन्हीं कारणों से हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो दुर्घटना के कारण है, 6 जो कारण हैं, वह अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुरक्षा के लिए किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा सावधानियां क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, आप जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब संदीप आगरमो ट्यूटोरियल।